जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं राहिल राजपूत आप लोग खिदमत में हाज़िर हूँ। आज अगेन डिस्कस करेंगे क्योंकि आज फिर डॉलर की न्यूज़ थी और BTC ने फिर आप लोगों को थोड़ा सा स्पाइक दिखाया है, उसको हम देखेंगे मार्केट के अंदर और स्टडी करके चलेंगे ईच एंड एवरीथिंग को, क्या इस वक्त आप मार्केट में देख रहे हो, नेक्स्ट मार्केट के अंदर क्या हो सकता है। कल भी दो तीन न्यूज़ हैं, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। सबसे पहले मैं आज की न्यूज़ दिखाऊंगा और उसका इम्पैक्ट देखेंगे मार्केट पर क्या आया है और फिर हम चलेंगे इंशाल्लाह ताला कल की जानिब और कल देखेंगे मार्केट में आप लोगों को क्या देखने को मिला। टूल में जाएंगे हम इकोनॉमिक कैलेंडर पे और उसके बाद यहाँ पे देखेंगे कि इस वक्त आज की जो न्यूज़ आई है उसने क्या इम्पैक्ट डाला है, क्योंकि मैं पिछले चार पाँच दिनों के तकरीबन जो भी मेरा एनालिसिस जा रहे हैं उसमें मैं आपको डॉलर को कंपेयर करके लास्ट में बता रहा हूँ और ये स्ट्रेटजी बहुत अच्छी बैठ रही है इस वक्त BTC के ऊपर। आज जो इसकी न्यूज़ थी डॉलर की, ये आपके पास न्यूज़ आई है, ये आप लोग चेक कर सकते हैं, बहुत नेगेटिव न्यूज़ है, ठीक है। 10.775 यहाँ पे क्या था, फोर कॉस्ट थी, प्रीवियस 11 point something थी, लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल आई वो 10.053 आई है, जो कि जॉब्स ओपनिंग अगस्त में थी, तो ये बहुत नेगेटिव न्यूज़ थी डॉलर के लिए। तो डॉलर इस वजह से क्या वो नीचे गया, इसको मैं अगर यहाँ पे टाइम इसका चेंज कर पाऊँ तो टाइम इसका कर देंगे कराची के अकॉर्डिंग और फिर देखेंगे न्यूज़ ये कितने बजे थी पाकिस्तान में। आप लोग जब भी करना चाहें तो आप लोगों ने यहाँ पे टाइम लाजमी सेट कर लेना, टाइम आप लोगों का सेट होगा, आप लोगों को टेंशन नहीं होगी, अदरवाइज़ आप लोगों को टेंशन बनी रहेगी कि आप किस कंट्री की न्यूज़ देख रहे हैं। तो यहाँ पे देखें कराची आ गए +5 GMT के अंदर उसका टाइम होता है, ठीक है। ये देखें आपके पास न्यूज़, ये नेक्स्ट जाएंगे हम USD, ये यूरो की है, USD न्यूज़, ठीक हो गया। ये USD न्यूज़ है जो कि आपके 7 बजे पाकिस्तानी टाइम के अकॉर्डिंग आपको देखने को मिली है और बहुत ज़्यादा नेगेटिव थी। इसका इम्पैक्ट भी दिखाऊंगा, लेकिन इससे पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपको कल की न्यूज़ से थोड़ा सा वाकिफ़ करवाता चलूं और कल की न्यूज़ में भी अगर हम देखते हैं यहाँ पर तो कल भी हमें डॉलर की न्यूज़ देखने को मिलेगी और न्यूज़ है 3-star सर्विस PMI और ये जो एक्सपेक्टेड फोरकास्ट सेम है, लेकिन एक्चुअल देखते हैं, अगर इससे बड़ी हाई तो डॉलर ऊपर जा सकते हैं, अगर इससे कम आई तो डॉलर नीचे जाने के चांसेस बढ़ सकते हैं। यहाँ पे 1-star का कोई इतना खास इंपैक्ट नहीं होगा, 3-star जो है, ये 3-star एक न्यूज़ पढ़ी आप लोगों को, ठीक है। नॉन मैन्युफैक्चरिंग PMI इसका डाटा आप लोगों ने देखना है, ये 3-star पढ़ी है जो कि क्रूड ऑयल इन्वेंट्रीज़ है, इसकी आप लोगों ने इंपैक्ट देखना है। ये इंपैक्ट देखने के बाद आप लोग एक अच्छी ट्रेड पकड़ सकते हैं, लेकिन मतलब ये कि 7 से 8 का जो टाइम होगा आप लोगों का वो अच्छा खासा बहुत ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टाइम है। आप लोगों ने उस दौरान जब ट्रेड करनी है तो इससे पहले आप लोगों ने न्यूज़ लाजमी स्टडी करनी, फिर आप ट्रेड की तरफ जाइएगा। तो अब बढ़ते हैं अपने एनालिसिस की जानिब। ये डॉलर आप लोगों के सामने इस वक्त ओपन किया है, जिस तरह कि मैंने आप लोगों को प्रीवियस में दिखाया था, इफ़ यू रिमेंबर, मार्केट उस वक्त इस जगह पर थी। ये मैंने 1 day का चार्ट ओपन किया, मैं पहले H1 H4 में करा था और यहां से मैंने बोला था मार्केट इस लेवल तक लाजमी रिट्रेस हो सकती है और मार्केट ने सेम उसी लेवल का रिट्रेसमेंट लिया। अभी यहां से मुझे लग रहा है कि मार्केट इससे ज्यादा नीचे में भी ना जाए, कुछ इस तरह के ट्रेंड फॉलो करे, दोबारा ऊपर उठने के चांसेस हो सकते हैं। अगर कल की न्यूज यहां से कुछ कैंडल इसको एंगल्फ कर जाती है तो आप लोग इजीली यहां से फिर BTC रेंज बाउंस में देख सकते हैं और जो बाकी पेयर हैं उनके आप लोगों ने अपना एनालिसिस परफॉर्म करके उनके ऊपर ट्रेड करना है। तो अभी तक का जो चांस है कि वो अपने एक्सपोर्ट के ऊपर है और एक अच्छी स्पोर्ट के ऊपर है। अब न्यूज़ कल बताएगी कल मार्केट में क्या हो रहा है डॉलर के साथ, फिर हम इसको आगे परसुए करके चलेंगे इंशाल्लाह। तो अभी नेक्स्ट मैं आप लोगों को लेके जाऊंगा अपने BTC के चार्ट के ऊपर, क्योंकि हमारा मेन मुद्दा तो होता है BTC और BTC से ही आप लोग ट्रेड कर रहे होते हैं, लॉस कर रहे होते हैं, प्रॉफिट कर रहे होते हैं और फिर पूछ रहे होते हैं BTC के। तो सबसे पहले बढ़ेंगे BTC की जानिब। तो BTC पे मैं जैसे ही क्लिक करता हूं तो यहां पे इसका चार्ट ओपन हो जाएगा, इसमें हम देखते हैं मार्केट क्या क्रिएट कर रही है। मार्केट जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि मुझे यहां पे कहीं ना कहीं डबल बॉटम नज़र आएगा, तो आप लोगों को नज़र आया। अभी क्या है सीन है कि आप लोगों ने इस ब्रेकआउट का वेट करना है, फिर आप लोग यहाँ से अगेन ट्रेड कर सकते हैं। अभी मार्केट जो लगा रही थी, ये वाली रेंज लगा रही थी, लेकिन अभी तक मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया जो कि 20,000 है। अगर इससे ऊपर मार्केट की क्लोजिंग रहती है आज की या कल भी एक दिन की या 4 घंटे की कैंडल भी इससे ऊपर क्लोज हो जाती है तो H1 में भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है, H4 में भी, तो यहाँ पे आपको डबल बॉटम मिलेगा। जब बार बार आपको डबल बॉटम मिल रहा है आप लोगों ने मेक श्योर करना है कि उसी के अकॉर्डिंग ट्रेड करके चलना है। तो बाय की एंट्री आप लोगों के लिए यहाँ पे एक अच्छी हो सकती है, लेकिन स्टॉप लॉस आप लोगों ने इससे नीचे मस्ट रखना है, क्योंकि अगर ट्रेड आपके अगेंस्ट भी जाए तो आपको टेंशन ना हो और आप लोग इसको क्या कर सकते हैं। बात करेंगे अगर मैं लेवल की इस वक्त बात करूँ BTC के,
तो ये मैं जस्ट वेट अ सेकंड, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ क्योंकि लेवल पे काफी ज्यादा लोग ट्रेड कर रहे होते हैं। बीटीसी की जो आज रेजिस्टेंस लेवल है वो है आपका 20,234। लेकिन अगर 20,000 से ऊपर मार्केट आपको स्टेबल देखने को मिले, मार्केट की क्लोजिंग ऊपर हो और बुलिश ट्रेंड को यहाँ पे फॉलो कर रही हो, तो आप लोग एक अच्छे बुलिशनेस की तरफ जा सकते हैं। मार्केट इजिली 22,000 और 25,000 24,000 के एरिया भी टच कर सकती है। अगर इसको नहीं कर पा रही तो मार्केट की जो आज की सपोर्ट है वो 18,981 है, लेकिन मार्केट की जो मेजर सपोर्ट है वो $18,560 है। तो इन दो सपोर्ट से आप लोग अगेन बाय का सोच सकते हैं, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा आप लोगों ने इन लेवल्स को देखते हुए ट्रेड करने, इंशाल्लाह आप बहुत अच्छा प्रॉफिट यहाँ से बनाएंगे। अब मैं लेकर चलूँगा आप लोगों को इथेरियम की जानिब, क्योंकि सेकंड जो हमारे पास लार्ज कैप कॉइन है वो है इथेरियम, और इथेरियम में स्टडी करने के बाद फिर हम नेक्स्ट देखेंगे। अच्छा, इथेरियम का मैंने आपको कल ये लेवल बता दिया था कि मार्केट अगर बुल होती है तो आपको ये लेवल देखने को मिलेगा। अब इसके ऊपर क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर इसके ऊपर क्लोजिंग हो जाती तो आप लोग बहुत अच्छा सीन देखेंगे, अगर क्लोजिंग नहीं होती तो फिर आप लोग अगेन यहाँ से एक सेल की ट्रेड ऊपर एक्टिव हो सकती है, जो कि आपका 1500 का एरिया समथिंग बनेगा। ठीक हो गया, लेकिन सेल के एरिया के लिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ आपका बेस्ट यहाँ पे क्या हो सकता है। अगर आप सेल करने का भी सोच रहे हैं तो आपको पता हो कि आप लोगों ने सेल किस लेवल से करना है। जस्ट वेट अ सेकंड, मैं यहाँ पे सर्च करूँगा, ये आगे हमारे पास कर्सर। तो इसके जो इंपॉर्टेंट लेवल्स वही हैं, सेल अगर आप लोगों ने करना है तो इस लेवल से आप लोग सेल कर सकते हैं, जो कि इसका $1412 का बन रहा है। यहाँ से आपकी सेल की ट्रेड एक्टिव हो सकती है, लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप लोग सेल की ट्रेड अभी एक्टिव ना कीजिएगा, क्योंकि कल की न्यूज़ देख लें, उसके बाद आप लोगों ने उसको ट्रेड करते हुए चलना है आगे। अब मैं आपको नेक्स्ट लेके चलूँगा BNB टोकन के ऊपर। BNB 260, 264, 270 पे बाय करवाया आप लोगों को, तो जिन लोगों ने बाय किया बहुत अच्छे प्रॉफिट में होंगे, प्रॉफिट बुक कर भी सकते हैं, और उसके अलावा वो इस लेवल का वेट भी कर सकते हैं यहाँ से अगेन। अच्छा, BNB किस वक्त एक सपोर्ट के ऊपर मौजूद है, ये वाली एक BNB की सपोर्ट बन रही है $300 की, इसके ब्रेकआउट के बाद आप इजीली 350 तक मार्केट को देख सकते हैं। अगर यहाँ से पुल बैक मार्केट होती तो अगेन आपको इस लेवल के ऊपर 274 के ऊपर मिलेगी, यहाँ से फिर बाय करके आप इस लेवल तक जा सकते हैं, जो BNB का मेरा एनालिसिस अभी तक का यही है। लेकिन 264 से मैंने आपको बाय करवाया था, अभी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, आपको प्रॉफिट बुकिंग जोन है। तो आज की वीडियो में डिस्कस करना था इतना ही, मिलते हैं चलो नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग प्रोफेशनल वे में टेक्निकल एनालिसिस कोर्स करना चाह रहे हैं, प्रोफेशनल ट्रेडिंग सीखना चाह रहे हैं, वो लोग व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगा। और जो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग ज्वाइन करना चाह रहे हैं वो लोग XNX का लिंक डिस्क्रिप्शन मौजूद है, अकाउंट क्रिएट करके उसको स्टार्ट कर सकते हैं। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा, आपका होस्ट राहिल राजपूत।